Hello students, let's start our next exercise 3.2. 3.2 start करने के लिए हमें कुछ concepts पता होने चाहिए. देखो, पहले formulas बताती हूँ आपको. sine square theta plus cos square theta is equal to 1. sine square theta plus cos square theta is equal to 1. क्या है ये? Identity है. Identity क्या होती है? जो चेंज नहीं होती, एज इट इज रहती है. इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास एक और फॉर्मूला यूज होना है वो क्या होना है? सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा. सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा. ये दो फॉर्मूलाज हमारी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे. तो देखते हैं इसमें एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास. कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी जाएगी. फॉर एग्जांपल कॉस थीटा की वैल्यू दे दी -3/4 या +3/4, कुछ भी दे दी. कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी. एक क्वाड्रेंट दे दिया, क्वाड्रेंट दे दिया सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है. बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है. अब करना क्या है, वो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, एक क्वाड्रेंट दे देगा और ये बोलेगा इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप बाकी के पांच, जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो. देखते हैं कैसे करते हैं. आपको ये दो फॉर्मूले लर्न रखने हैं. साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा. एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6. इफ कोस थीटा इज इक्वल टू -3/5, कोस एक्स की वैल्यू या कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3/5. एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट. एक्स किस में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है. फाइंड दी वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं हमें. अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो. देखो, कोस एक्स इज इक्वल टू -3/5. कोस एक्स की वैल्यू गिवन थी. वी नो दैट सीकेंट एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस एक्स. देखो भाई, जो सीकेंट एक्स होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस एक्स का. रेसिप्रोकल यानी कि 1/ जो भी हमें गिवन है उसकी फॉर्म में लिखना. या फिर हम कह सकते हैं कोस एक्स किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? सीकेंट एक्स का. ये उस साइड जाएगा, ये नीचे आ गया. तो एक वैल्यू अगर जो भी दी होती है, जो उसका रेसिप्रोकल होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू उसको क्या कर दो, जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर बना दो. वैल्यू आ गई सीकेंट एक्स की. अब हमें आइडेंटिटी पता है. कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1. क्या रखा? साइन एक्स यही है, साइन एक्स यही है, या हम कह सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स. कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स. साइन एक्स अगर स्क्वेयर हटता है तो यहां क्या आ जाता है? अंडर रूट, या हम कह सकते हैं स्क्वेयर रूट. कितना आ गया? 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स. साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस. वैल्यू किसकी पता थी? कोस की. स्क्वेयर क्या करना है? कोस का स्क्वेयर करना है. तो क्या हो जाएगा? 3/5 का स्क्वेयर यही होगा. तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, ये वाला माइनस यहां है, -3/5 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3 3 9, 5 5 20, -minus + 9/25. एलसीएम लेंगे. साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, एलसीएम कितना आ गया? 25. इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1. 1 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 25. 1 के टेबल में 25 कहां आता है? 1 पर. 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी देखो, 1 और 25 का एलसीएम लिया 25. 1 के टेबल में 25 कहां आता है? 25 पर. 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25, माइनस 25 के टेबल में 25 1 पर आता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया. कितना आया? साइन एक्स इज इक्वल टू
16 डिवाइडेड बाय 25। क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है जो डिनोमिनेटर में होता है वो चेक करते हैं टेबल पे कहां आ रहा है, फिर उसको जो आंसर आता है ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 16 बाय 25। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। साइन एक्स इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर होता है, 16, 4 का। 4 का कैसे, देखो 25 किसका होता है, 5 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अरे भाई 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। अगर मैं कहूं 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4 और 25 का अंडर रूट कितना हो गया 5, जो हमारे पास ये वैल्यूज आती है। अब ऐसे तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा। करके देख लो, माइनस 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 4 जो 16, माइनस माइनस प्लस, तब भी तो 16 ही आ रहा है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव वाले की वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वाले की वैल्यू भी हो सकती है। प्लस का 4/5 भी आ सकता है और माइनस का 4/5 भी आ सकता है। अब कैसे आएगा वो, क्वाड्रेंट के हिसाब से। देखो साइन एक्स की वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4/5। क्वाड्रेंट कौन सा गिवन है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू देख लो क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, सो वी पुट हियर नेगेटिव साइन। तो साइन एक्स कितना आ गया, माइनस 4/5। एक आइडेंटिटी लगाई, इसको सॉल्व किया, साइन एक्स कितना आ गया, माइनस 4/5। अगर साइन आ गया तो उसका रेसिप्रोकल वैसे ही आ जाता है, 1/sin कितना होता है, कोसिकेंट। तो इसको क्या कर दिया, जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर बना दिया, जो न्यूमरेटर था उसे डिनोमिनेटर बना दिया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 5/4। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जो ये माइनस था ये तो 4 के साथ था, तो हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा 5/-4, हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा। देखो भाई जो ये माइनस का 4 है, माइनस क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 1 लिख सकते हैं। जो ये माइनस का है ये क्या कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। अब ऊपर भी मान लो यहां 1 मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस इसके साथ लिखो या इसके साथ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में लिखो या डिनोमिनेटर में लिखो कोई मैटर नहीं करता, वो सेम ही रहता है, माइनस 4/5 या माइनस कोसेकेंट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/4 आ गई। अब चार वैल्यूज आ गई हमारे पास, कोस एक्स की, सेकेंट एक्स की, साइन एक्स की और कोसिकेंट एक्स की। किस चीज की वैल्यू रहेगी, टेंजेंट और कोट की। वी नो दैट tangent x is equal to sin x by cos x, ये हमने 9th 10th में भी पढ़ा था। tangent x is equal to sin x by cos x, tangent किसके equal होता है, sin by cos के। sin की value कितनी आई है, minus 4/5। cos की value कितनी आई है, देखो sin की value आई है minus 4/5, cos की value कितनी आई है, cos की value आई है minus 3/5। क्या करेंगे, minus 4/5 as it is, जो इसके reciprocal में है। अब दो दो है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, नीचे वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर चला गया, ये 3 यहां नीचे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 1 5 5 1 5, आंसर कितना आ गया, 4/3। कितना आंसर आ गया, 4/3। टेंजेंट एक्स की वैल्यू 4/3 आ गई, तो कोट एक्स तो उसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। यानी कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो तो लगानी पड़ेगी, एक वैल्यू दे रखी थी, सेकंड वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करके आ गया, आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व किया, साइन की वैल्यू आ गई, इसका रेसिप्रोकल किया, कोसेकेंट की वैल्यू आ गई, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई और इसका रेसिप्रोकल किया तो कोट एक्स की वैल्यू आ गई। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, एक और ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7th। एग्जाम्पल नंबर 7th में क्या है, इफ कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/12। अब हमें क्या गिवन है, कोट एक्स की वैल्यू गिवन है, कोट एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 5/12 गिवन है। एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अच्छे से देख लेना, अगर आपने क्वाड्रेंट गलत पढ़ लिया या गलत आपके माइंड में चला गया कि ये वाला क्वाड्रेंट नहीं ये वाला है, तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो cos x इज इक्वल टू माइनस 5/12, अब cot का रेसिप्रोकल tangent, tangent x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस 12/5 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो वी नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, आइडेंटिटी बताई थी, ये वाली बताई थी, secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और इसमें क्या लिखा है, secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, जो लेफ्ट में था वो राइट में लिख दिया, राइट में था वो लेफ्ट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब हमें क्या करना है, देखो सीकेंट एक्स की वैल्यू, सीकेंट एक्स का रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, कितना आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू -12/5, इसका स्क्वायर कर दिया 1 प्लस -12 को -12 से दो बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर है, कितना जाएगा 144, 5 को 5 से किया 25, एलसीएम कितना आ जाएगा 25, फिर 1 के टेबल में 25, 25 पर आता है 25 यहां कर देंगे 25, 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 कितना आ जाएगा टोटल 169, एलसीएम लेके 169/25, 16 किसका स्क्वायर होता है 13 का, किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा +-13/5, क्योंकि 25 किसका होता है 5 का, तो आंसर कितना आ गया +-13/5। अब ये प्लस माइनस, प्लस आएगा या माइनस आएगा वो कहां से पता लगेगा, क्वाड्रेंट से, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहे थे, सेकंड की, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है नेगेटिव होता है, सेकंड तो पॉजिटिव किसमें होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट हो जाएगा नेगेटिव, एज सीकेंट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सीकेंट की वैल्यू आ गई तो कोस तो उसको क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -5/13, चार वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास किसकी रहेगी, साइन एक्स की वैल्यू और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमें पता है। अब हमें यहां कोस की वैल्यू भी पता है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू ये कोस वहां जाएगा तो नेगेटिव हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर हटा दिया तो इसके ऊपर अंडर रूट आ गया 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू -5/13, -5/13 इसका स्क्वायर है तो -5/13 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब -5/13 का स्क्वायर कितना आएगा 25/169, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 5 25 25/169, एलसीएम लेंगे 169 आएगा, 169 1 के टेबल में 169, 169 पर आता है तो कितना आ जाएगा 169 -25 दैट इज 144 अंडर रूट। अब 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, ये किसका होता है 169 13 का। अब -12 और -13 का भी हो सकता है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया प्लस माइनस लगा दिया। चेक करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो हम क्या ले लेंगे पॉजिटिव साइन, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे हम पॉजिटिव का साइन कंसिडर करते हैं, तो आंसर कितना आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू +12/13 एज साइन एक्स इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो कोसेकेंट एक्स कितना आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कितना आ जाएगा 13/12 आंसर आ जाएगा। निकल गई हमारी सारी 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ आता, होप सो तो आपको समझ आ ही गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। 31π/3 सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाई की जगह क्या पुट करेंगे 180 डिग्री, साइन 31π/3, साइन 31 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री/3 कट करेंगे कितना हो जाएगा 31 3 3 6 18, 0 की 0, इसको मल्टीप्लाई किया 31 को 60 से कितना आ गया साइन की वैल्यू 1860 डिग्री। अगर मैंने आपको बताया था अगर थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू 360 डिग्री से ग्रेटर आ जाए तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, वेरी गुड 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या लेना है, कोशेंट लेना होता है या रिमाइंडर, रिमाइंडर लेना होता है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 60 डिग्री आ रहा है, तो कितना हमारे पास क्वेश्चन कितना बन गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कितनी होती है √3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -1710 डिग्री। ये तो क्या है ऑलरेडी थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री से ग्रेटर है और हमें ये पता है साइन की वैल्यू अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ जाती है तो वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो साइन कॉस की वैल्यू जो ये है नेगेटिव साइन था ये खत्म हो गया, तो कितना हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया कॉस 1710 डिग्री। ये तो 360 डिग्री से ग्रेटर है, हम इसको 360 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आया 270 डिग्री।
हमारे पास थीटा क्या बन गया है 270 डिग्री। अब 270 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, या तो 360 में से कुछ ऐसा माइनस कर लो कि 270 डिग्री बन जाए, या क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। क्या 180 डिग्री पर चेंज होता है, होता है या नहीं होता? नहीं होता, 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता, तो कोस एज इट इज आएगा। 180 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है। देखो हमने ऐसे ग्राफ बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 180 डिग्री यहां आता है, एक्स एक्सिस पर आता है, 180 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव कौन होता है? सोचो सोचो क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो कोस तो नेगेटिव होता है, सो वी पुट हियर नेगेटिव साइन, और यहां 90 डिग्री आ गया। कोस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो। टेबल बनाना आता है ना फटाफट, और वैसे तो अब तक आपको वैल्यूज याद हो गई होंगी। कोस 90 डिग्री इज जीरो, माइनस जीरो लिखो या प्लस जीरो लिखो, जीरो तो जीरो ही होती है भाई। नेक्स्ट 3.2, 3.2 cos x is equal to -1/2, x lies in the third quadrant। cos x की वैल्यू पता है, और किसकी वैल्यू निकालनी है? बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos x is equal to -1/2, cos x का रेसिप्रोकल secant x, secant x is equal to -2। अब कुछ बच्चे कहेंगे -2/1 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई हर एक नंबर किससे डिविजिबल होता है? वन से तो डिविजिबल होता ही है, तो नीचे वन लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -2 आ गया। एंड वी नो दैट, देखो हमें कोस की वैल्यू पता है और हमें आइडेंटिटी भी पता है। जब हमें एक की वैल्यू पता और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइडेंटिटी लगा दो। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन एक्स कितना आ गया? पहले ये उस साइड जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, इसका स्क्वेयर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वेयर रूट आ जाएगा, या कह सकते हैं अंडर रूट आएगा। 1 माइनस कोस की वैल्यू -1/2, देखो यहां माइनस लिखा हुआ है, कोस की वैल्यू -1/2, -1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/4, 1/4 आएगा ना। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 एलसीएम आएगा। अरे भाई एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 1 के टेबल में 4, 4 पर 4 पर आता, 4 1 जा 4, माइनस 4 के टेबल में 4, 1 पर आता, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। क्या किया? जो भी हमारे पास एलसीएम लेकर आया, डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड करके देखो, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? √3। और नीचे 2 कैसे आया? कैसे आया? 2 4 का अंडर रूट कर दिया, 2 का स्क्वायर ही तो होता है 4। आंसर कितना आ गया? √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू आ गई? साइन एक्स की वैल्यू आ गई। साइन एक्स की वैल्यू √3/2, तो प्लस माइनस आएगी। साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस √3/2। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। साइन एक्स इज इक्वल टू -3/2 आ गया। साइन एक्स की वैल्यू आ गई, तो ऑटोमेटिकली एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई, किसकी? कोसेकेंट एक्स की। कोसेकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन एक्स का। तो वैल्यू कितनी आ गई? -2/√3। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दिया। अब हमारे पास साइन की वैल्यू पता है, कोस की वैल्यू पता है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू ऊपर रखना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन करते करते हमें पहले ऊपर कोस एक्स की वैल्यू पता थी, बाद में हमने साइन एक्स की फाइंड आउट किया, तो पहले हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, बाद में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, साइन एक्स ऊपर लिखा हुआ है तो ध्यान से करना, -√3/2, और कोस एक्स की डिनोमिनेटर में लिख देंगे कितनी? -1/2। -1/2 तो सॉल्व करके कितना आ गया? ये √3, -3/2 डिवाइडेड बाय -1/2। नहीं आया समझ? देखो कितना था हमारे पास, -√3/2 डिवाइडेड बाय कोस की वैल्यू लिखनी है -1/2। क्या हो जाता है? -√3/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस का 1 नीचे आएगा, यही होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया? √3। यही तो लिखा हुआ है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी है? √3। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू पता लग गई, तो कोट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1, बिकॉज √3 इज डिविजिबल बाय 1, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? कोट एक्स की वैल्यू 1/√3। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट कि कैसे हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इफ 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप कर लोगे ना। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी साइन में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर फोर भी ऐसा है, बिल्कुल फाइव भी ऐसा है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं एक बार। साइन 765 डिग्री, ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। 765 डिग्री, एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, सो वी डिवाइड इट बाय 360 डिग्री, रिमाइंडर इज 45, देन आर एंगल बिकम्स 45 डिग्री, साइन 45 इज 1/√2। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, कोसेकेंट माइनस 1410 डिग्री, क्या करेंगे, एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, सो वी डिवाइड दिस पार्ट बाय 360 डिग्री, वी गेट द आंसर 330 डिग्री एज रिमाइंडर। 330 डिग्री को कैसे शो कर सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये बात भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि कोस और सेकेंट का जो माइनस साइन होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन साइन और कोसिकेंट का क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो कोस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या करेंगे, 360 पे तो नो चेंज, 360 डिग्री में 2 पाई होता है, 360 डिग्री पर कुछ चेंज नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंट एज इट इज लिखेंगे, बाहर माइनस साइन था, 360 में से कुछ कम हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहां क्या ला दिया, नेगेटिव साइन। यहां क्या, कौन सा एंगल आएगा, 30 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोसेकेंट 30 डिग्री, कोसेकेंट 30 डिग्री कितना हो गया, 2। अब आप लोग क्या कहोगे, कोसेकेंट की वैल्यू, कोट की वैल्यू, सेकेंट की वैल्यू, ये तो हमें पता ही नहीं है। आपको ये पता है साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर कितनी होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर कितनी होती है, 1/2। कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल ही तो होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, सो कोसेकेंट 30 डिग्री, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, सो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको इसकी पूरी 3.2 की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।